नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा राजधानी लखनऊ में निरंतर करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभालते हुए जिलों का निरीक्षण शुरू कर चुके। रविवार को बस्ती में निरीक्षण के बाद सोमवार को अचानक सीएम का वाराणसी दौरे पर आने की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप का माहौल हो गया। इसी कड़ी में कमिश्नर दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार देर रात कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। दोनों अधिकारियों ने ईएसआई हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोमवार के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन एक्शन मोड में। देर रात मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल तथा जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल ईएसआई हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने मंडलीय अस्पताल के भवन सहित परिसर का कोना कोना देखा और सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने का निर्देश सीएमएस को दिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने अस्पताल का ड्रग स्टोर में दवा की उपलब्धता, ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था, इमरजेंसी, कोरोना के मरीजों के वार्ड में जाकर उनके इलाज का हाल जाना तथा उनसे खाना समय से मिलने और गुणवत्ता के बारे में पूछताछ की। शौचालय की सफाई व्यवस्था देखी। चिकित्सालय भवन व इलेक्ट्रिक बोर्ड, पंखे व बल्ब आदि व्यवस्थित कराने का निर्देश सीएमएस को दिया। गौरतलब है कि सीएम योगी रोजाना लखनऊ में टीम 11 के अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर जिलों की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश देते रहते हैं। ऐसे में सीएम योगी का खुद जमीनी स्तर पर निरीक्षण करना इस बात को साफ करता है कि अगर प्रशासन की तैयारियों में कोई कमी मिलती है तो अधिकारियों को सीएम की फटकार लगनी तय है।